हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी का मॉडल। तो इसके अंदर टू टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, एक तो स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम कैसे अपना जो एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो उस वे से ये प्रोजेक्ट बनाना था। तो सबसे पहले मैंने इसका बेस लिया और बेस को अच्छे से कवर कर दिया था, और बेस को कवर करने के बाद मैंने ब्लैक शीट ली और उसको रेक्टेंगल शेप में कट करने के बाद उसके ऊपर फेविकॉल लगाई और उसको कार्डबोर्ड के ऊपर रोड शेप में मैंने पेस्ट कर लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे रोड्स बनानी है। जब हमारी रोड्स पेस्ट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगा रूंगी ग्रासेस के लिए। बेसिकली एनवायरमेंट को सेव करने के लिए आसपास का एरिया कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करा है। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा बेस कम्प्लीट। तो अब बेस जब हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर का काम, जो हमारी रोड्स है उसके अंदर जो मिडल में व्हाइट कलर की जो लाइंस होती है उसको हम लगा लेंगे। तो इसको मैंने छोटी छोटी व्हाइट कलर की शीट से कट कर लिया था और उसको मैंने फेविकॉल से बाद में लगा लिया। तो फ्रेंड्स, जब तक ये पेस्टिंग हो रही है कंप्लीट, आप प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप सब्सक्राइब करके कम से कम मोटिवेट तो कर ही सकते हो। और जब हमारी व्हाइट स्ट्रिप्स लग के कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लगा लेंगे जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग के लिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप की लंबी लंबी शीट्स काट ली थी और उसको मैंने पेस्ट कर दिया था। और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर ले लिया और परमानेंट मार्कर से मैंने रोड्स को प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कटिंग पेस्टिंग का काम करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप हमेशा ब्लैक मार्कर का यूज़ करें। और उसके बाद हम प्रिपेयर कर लेंगे येलो और ब्लैक कलर की जो साइड स्ट्रीट होती है उसको हम कर लेंगे प्रिपेयर। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लोरोसेंट येलो कलर की शीट को कट करा और सबसे पहले मैंने नीचे डबल साइडेड टेप को लगा लिया था, और उसके बाद डबल साइडेड टेप के ऊपर वाला पार्ट को रिमूव करने के बाद मैं इसको लगा लूँगी और उसके बाद मैं ब्लैक कलर के मार्कर से इसको मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम अपना बेस को रखेंगे साइड पे और ऊपर वाले सारे पार्ट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड लाइट्स को प्रिपेयर कर लिया था। रेड लाइट को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने येलो कलर की फ्लोरोसेंट शीट ले ली थी। उसके बाद मैंने रेड, येलो और ग्रीन कलर के स्केच पेन से मैंने इसकी रेड लाइट बना ली थी। और उसके बाद मैंने एक पतला सा कार्डबोर्ड लेके उसको बीच में से पेस्ट करा था, और उसके ऊपर जो पीछे की साइड पे जो हमारी प्लेन वाली रेड लाइट थी उसको हमने पेस्ट करा, और उसके बाद हमने इसको मार्किंग से मार्क करा, इसको हाईलाइट करी इसकी लाइट्स। अब मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे तीन पतले पतले से डब्बे लिए थे। तो ये जो डब्बे हैं इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपका मॉडल कितना बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने पतले पतले ममा अर्थ के या फिर कोई भी पतले पतले से डब्बे लिए हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब ऊपर की तरफ पे ऑरेंज कलर की शीट लगा ली थी, और ऑरेंज कलर की शीट लगाने के बाद मैंने इसको टेप से सिक्योर कर लिया था कि ये फ्यूचर में जाके खुले ना और बच्चे का प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। और उसके बाद मैंने साइड से इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया था, और उसके बाद मैंने पेस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर हैवी वेट रख दिया था तो ये सो दैट ये खुले ना। जब ये अच्छे से पेस्ट हो गया था इस टाइम पे मैंने तीनों प्रिपेयर कर ली थी, और जब ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया था तब मैंने इसके विंडोज़ और मैंने इसके डोर्स बना लिए थे। तो यहाँ पे मैंने डोर्स और विंडोज़ के लिए ब्लू कलर लिया था, और वो ऑरेंज कलर पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, और मैंने पिंक कलर के लिए भी सेम ब्लू कलर लिया और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो जो आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है तो वो मैंने एक्स्ट्रा बना के रख ली थी, बाय चांस अगर वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा बिल्डिंग की नीड पड़े तो वो हम उसको लगा लें। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है मेरी तीनों बिल्डिंग्स, तो देखते हैं हमने आगे क्या बनाया। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दी थी पतली पतली शीट उसकी शेल्टर के लिए। तो यहाँ पे मेरी बिल्डिंग्स हो चुकी है कंप्लीट, और आई होप सो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूले होंगे सो दैट कि मुझे और मोटिवेशंस मिले आपके लिए मॉडल्स बनाने का। और अब मेरी ये बिल्डिंग्स बनके कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने इसको मॉडल के ऊपर लगा लिया था, और साथ ही साथ मैंने ट्रीज़ को भी लगा लिया था, और साथ में मैंने छोटा सा एक पाउंड बनाया था, और पाउंड के आसपास मैंने स्टोन्स लगा लिए थे। और ये वाले जो स्टोन्स हैं आपको मार्केट में कहीं पे भी इजीली मिल जाएंगे, ये वो वाले स्टोन्स हैं जो फिश एक्वेरियम के अंदर रखते हैं, ये वो वाले स्टोन्स हैं। तो उसके बाद मैंने बिल्डिंग से बाहर आने का एक पतला सा रास्ता बनाया लाइट ग्रे कलर की शीट से, और उसको मैंने फेविकॉल के ऐप से लगा दिया था। अब जब हमारा इतना काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम रेड लाइट को लगा लेंगे, सारी चारों रेड लाइट को लगा लेंगे, और जितनी भी रेड लाइट है वो आप अपने राइट साइड पर लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी रेड लाइट कंप्लीट हो चुकी है लग के, तो उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रीज़ लगा लूँगी जितने मेरे बचे हुए ट्रीज़ थे, और उसके बाद मैं ये यहाँ पे विंड मिल लगा लूँगी।
तो ये जो विंड मिल है मैंने इसको आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन रही थी। उसके बाद मैंने ऐसे ग्रासेस बनाई है और उसको भी मैंने लगा लिया था। और उसके बाद जब मेरा पार्क बन के कम्प्लीट हो गया था उसके साइड पे मैंने लगा दी थी आइसक्रीम स्टिक्स की फेंसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स को बीच में से कट किया और उसके बाद उसको मॉडल के ऊपर लगा दिया और साइड में मैंने फुल आइसक्रीम स्टिक्स लगाई हैं। उससे हमारी फेंसेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिया था और उसके बाद मैंने एक पियर्स का डब्बा लिया था और पियर्स के डब्बे को मैंने वाइट कलर की शीट से अच्छे से कवर कर दिया था क्योंकि हमने इसका एक हॉस्पिटल बनाना था। और जब ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कवरिंग तो इसके बाद हम एक ब्राउन कलर का पेन लेंगे और उसके बाद हम इसका एक डोर बनाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे हॉस्पिटल और रेड कलर के पेन से हम इसके ऊपर क्रॉस बनाएंगे और इसको भी हम लगा लेंगे अपने मॉडल के ऊपर। और जब हमारा हॉस्पिटल लग जाएगा तो उसके बाद हम लगा लेंगे इसका रास्ता। तो यहाँ पे मेरा मॉडल बनके हो चुका है कंप्लीट। सोलर सिस्टम लगाना रह गया था वो भी मैंने लगा दिया है और उसके बाद हम दो फेंसेस लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे स्मार्ट सिटी और उसके बाद हम बाइक लगा देंगे। सो आई होप सो आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। तो विजिट कर लेते हैं आज के प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैंने दिया है गार्डन एरिया कि हमारे सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया होना चाहिए। उसके बाद हमको विंड एनर्जी सेव करनी चाहिए। हमारे जो व्हीकल्स है वो ग्रीन व्हीकल्स होने चाहिए, मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे हर एक बिल्डिंग्स के ऊपर लगी होनी चाहिए सोलर सिस्टम सो दैट हम उस एनर्जी को सेव करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएँ। हमें वाटर सेव करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए और उसके बाद जो हमारी सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सेव। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक माय वीडियो।